हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम आपको बहुत ही प्यारी, इजी और ट्रेंडिंग कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग बताएंगे। ये कुर्ती बनानी बहुत आसान और इजी है और ये आजकल ट्रेंड में बहुत ज़्यादा चल रही है, तो आप भी आसानी से इसे घर पे ही बना सकते हैं। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। और ये देखिए, मेरे पास 2.5 मीटर फैब्रिक है जिसकी चौड़ाई 44 इंचीस है और इसमें मैं 32 साइज़ की डिज़ाइनर कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी आपको। तो मैंने पहले कपड़े को 4 फोल्ड में कर लिया है, तो पहले हम टॉप पार्ट कट करेंगे। तो इसकी लंबाई मैंने 15 इंच ली है, इसमें 14 इंच तैयार रहेगी और 1 इंच मार्जिन का लेते हुए मैंने अपना टॉप पार्ट कट कर लिया है। और ये 32 साइज़ की कुर्ती है। तो ये देखिए, ये इसकी ओपन साइड है और ये फोल्डेड साइड है। और अब हम इसके शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर मैं रखूँगी 6 इंचिस 32 साइज़ के लिए और आर्म होल भी मैं रखूँगी 6 इंच। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग अपने आर्म होल और शोल्डर रख लें। और यहाँ पर मैं अपनी ब्रेस्ट का निशान लगाऊँगी। तो ब्रेस्ट साइज है हमारा 32, इसका 1/4 करेंगे 8 और इसमें 2 इंच मार्जिन का लेते हुए मैंने 10 इंच पर निशान लगा लिया है। और यहाँ पर मैं कमर का निशान लगाऊँगी, तो कमर है हमारी 28, तो उसका 1/4 करेंगे 7 आएगा और उसमें 2 इंच मार्जिन का लेते हुए हमने 9 पे निशान लगा लिया है। आप चाहे तो 1.5 इंच भी मार्जिन ले सकते हैं। और यहाँ पर हमारा ब्रेस्ट का 1/4 का निशान हम लगा देंगे 8 इंच पे इस तरीके से। और हम फिटिंग के निशान को इस तरह से फिटिंग के निशान से मिला लेंगे। और यहाँ पर हम अपने गले की चौड़ाई 3 इंचिस रखेंगे और फ्रंट नेक की गहराई हम 6 इंचिस रखेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और इस तरह से वी शेप में निशान लगा लेंगे। और बैक नेक की जो गहराई है वो हम 3 इंचिस रखेंगे, हमें ज़्यादा गहराई नहीं चाहिए बैक नेक की। और इस तरह से बॉक्स बनाते हुए हम राउंड में शेप दे देंगे अपने बैक नेक को इस तरह से। तो ये देखिए, हमारा फ्रंट और बैक नेक दोनों का निशान लग चुका है इस तरह से। और अब हम यहाँ पर अपने आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो हम यहाँ पर अपने आर्म होल का हाफ करेंगे, जितना भी आपका आर्म होल है आप उसका हाफ कर ले और यह निशान लगा ले। और हम बैक आर्म होल के लिए 1.5 इंच की गहराई देंगे इस तरह से, और इस तरह से निशान लगा लेंगे। और फ्रंट आर्म होल के लिए हम 1/2 इंच बाहर की तरफ निकालते हुए इस तरह से और 1 इंच की गहराई देंगे और निशान लगा लेंगे। और शोल्डर को हम 1/2 इंच डाउन करेंगे इस तरह से। और अब हम नीचे की साइड इस तरफ 1 इंच पे निशान लगाएंगे, जिससे हमारी कुर्ती साइड से लटकेगी नहीं। और यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो पहले हम इसकी कटिंग करेंगे, उसके बाद हम बैक नेक और बैक आर्म होल की कटिंग करेंगे इस तरह से। तो हमारे बैक आर्म होल और बैक नेक की कटिंग हो चुकी है और अब हम इसमें से अपना बैक पार्ट निकाल लेंगे इस तरह से। और अब हम अपने फ्रंट आर्म होल और फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे। और यहाँ पर हमने अपनी कुर्ती की तैयार लंबाई 40 इंचिस रखी है, जिसमें से 14 इंच का हमारा टॉप पार्ट हो गया और बाकी जो हमारी लंबाई बचेगी उसमें हम 1.5 या 2 इंच का मार्जिन लग के अपने घेरे की कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पर हम टॉप पार्ट में बंद की साइड इस तरह से 5 इंच पर निशान लगाएंगे और उसे इस तरह से तिरछे में ड्रॉ कर लेंगे लाइन को। और ये निशान हमें अपने फ्रंट पार्ट में ही लगाना है, बैक पार्ट हमारा सिंपल रहेगा। और यहाँ पर जो ये हमने 5 इंच पे निशान लगाया है, इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो हमें फ्रंट पार्ट में भी 5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना होगा ये जो हमने कटिंग की है। तो ये देखिए, हमारा टॉप पार्ट कट चुका है और अब हम अपनी स्लीव्स कट करेंगे। तो हमने इसे 4 फोल्ड में कर लिया है कपड़े को। और इसकी लंबाई हमने 16.5 इंच रखी है और इसकी चौड़ाई हमने 9 इंच रखी है। जो भी आपके आर्म होल हो आप उसमें 2.5 या 3 इंच एक्स्ट्रा रख के अपने स्लीव्स की चौड़ाई रखें और इस तरह से निशान लगा ले। हमने 3 इंच की गहराई दी है अपनी स्लीव्स को। और यहाँ पर हमारी मोहरी 5 इंच है और इसमें 1.5 इंच मार्जिन का लिया है हमने, तो हमने 6.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा लिया है।
और हम इस तरह से इसे मिला देंगे और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे अपनी स्लीव्स की इस तरह से गहराई देते हुए और यहाँ से भी हम इसकी कटिंग कर लेंगे और अब हम इसे खोल लेंगे। तो ये देखिए दोनों उल्टी साइड हमने अंदर की तरफ की है और सीधी साइड बाहर की तरफ रखी हुई है और आधा इंच अंदर की तरफ देते हुए हमने फ्रंट स्लीव्स की भी कटिंग कर ली है और इसे फोल्ड करके हम कट का निशान लगा लेंगे। तो ये देखिए हमारी स्लीव्स कट चुकी है और अब हम अपनी कुर्ती का घेरा कट करेंगे। तो जो भी हमारी लंबाई है उसमें हम 5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे फ्रंट पार्ट में, तो हमें फ्रंट पार्ट में ही 5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, बैक पार्ट हमें उतना ही रखना है 2 इंच मार्जिन लेके और फ्रंट पार्ट में बैक पार्ट से 5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेके हमें इसे कट कर लेना है। तो हमने इसे कट कर लिया है, देखिए इसकी चौड़ाई है और ये लंबाई है। चौड़ाई हमने इसकी 44 इंचेस रखी है और फ्रंट पार्ट की लंबाई हमने 33 इंचेस रखी है और उस पर हमने बैक पार्ट को इस तरह से बिछा लिया है और बैक पार्ट की हमने लंबाई 28 इंचेस रखी है। तो ये देखिए बैक पार्ट हमारा छोटा है फ्रंट पार्ट से, ये देखिए फ्रंट पार्ट जो है हमारा 5 इंच एक्स्ट्रा है बैक पार्ट से, क्योंकि जितना हमने कट का निशान लगाया था टॉप पार्ट में कटिंग की थी उतना ही हमें इसमें एक्स्ट्रा रखना है। तो ये देखिए हमने इसे अच्छे से बिछा लिया है और टॉप पार्ट में हमने 5 इंच ऊपर की तरफ कट किया था तो यहाँ पर भी हम 5 इंच पे निशान लगा लेंगे इस तरह से और उसे तिरछे में लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो हमें खुले की साइड से 5 इंच पे निशान लगाना है इस तरह से और निशान लगाने के बाद ये देखिए 5 इंच ओपन की तरफ से और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो हमें निशान के ऊपर ऊपर कटिंग करना है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने 5 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाया था तो हमने उधर से भी 5 इंच पे निशान लगाया है ओपन की तरफ से तिरछे में और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। तो हमने इसकी कटिंग कर दी है और ये देखिए खोलने के बाद ये कुछ इस तरह से रहेगा और ये जो हमने कट किया था 5 इंच अंदर की तरफ ये इस तरह से इस पे आ जाएगा। तो हम यहाँ पर छोटे छोटे चुन्नटे डालते जाएंगे, आप चाहें तो यहाँ पर छोटी छोटी प्लेटें डाल सकते हैं इस तरह से। तो ये कुछ इस तरह से आएगा। तो पहले हम इसमें चुन्नटे डाल देंगे इस तरह से और हमें अपने टॉप पार्ट की चौड़ाई जितनी इसमें चुन्नटे डालनी है इस तरह से और सेम तरह से हम अपने बैक पार्ट, ये बैक पार्ट हमारा प्लेन है, इसमें हम प्लेन तरीके से इस तरह से चुन्नटे डाल देंगे सारे में। तो ये देखिए अब हम अपने नेक की पट्टी की कटिंग करेंगे। तो हम इस तरीके से हमने कपड़े को डबल में फोल्ड कर लिया है और अपनी टॉप पार्ट को इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे इसके किनारे किनारे पे इस तरह से और यहाँ पर हम 1.5 या 2 इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसकी हम कटिंग कर देंगे इस तरह से। तो हमारे फ्रंट नेक की स्ट्रिप काट के रेडी हो चुकी है और इसे हम सीधा रखेंगे इस तरीके से और इसे हम उल्टा रखेंगे और इसे इस तरह से स्टिच करके फोल्ड कर लेंगे। तो ये देखिए हमने इसे स्टिच करके फोल्ड कर लिया अपने नेक को। तो ये हमारा रेडी हो गया है और ऐसे ही हमने बैक पार्ट की भी स्ट्रिप कट कर ली है इस तरह से और उसे भी स्टिच करके फोल्ड कर देंगे हम अंदर की तरफ से। हमें बैक नेक भी ऐसे ही रेडी कर लेना है फोल्ड करके अंदर की तरफ। तो हमारा बैक नेक रेडी हो चुका है और यहाँ पर हमने कच्ची सिलाई लगा ली है और अब हम धागे को इस तरह से खींचेंगे और इसमें गैदर्स डाल लेंगे। आप चाहे तो सुई से भी
सिल के और उस धागे को खींचते हुए इस तरह से चुन्नटे डाल सकते हैं। तो हम दोनों तरफ से धागे को खींचते हुए इसमें चुन्नटे डाल लेंगे और 2 इंच तक हमें इसमें कोई भी चुन्नट नहीं डालनी है। तो ये देखिए 2 इंच हमें साइड में छोड़ देना है जो हम स्टिचिंग में हमने मार्जिन रखा था। तो हमने इस पर एक बार सिलाई भी लगा ली है चुन्नट डाल के और अब हम ये देखिए इसके ऊपर इस तरह से आएगा। इसी के नाप की हमने चुन्नटें डाल ली हैं और अब हम सेंटर को इस तरह से मिलाएंगे। जो भी इसका सेंटर है उसे मिला के इस तरह से हम स्टिच कर लेंगे टॉप पार्ट को। तो ये देखिए अब हम टॉप पार्ट को इसके ऊपर रख के इस तरह से स्टिच कर देंगे और दोनों साइड से हम 2-2 इंच का जो हमारा कपड़ा है उसमें हमने गैदर्स नहीं डाली हैं, उसे इस तरह से ही स्टिच कर लेंगे। और सेम तरीके से यहाँ से भी हम इसे ऐसे ही स्टिच कर लेंगे। तो 2-2 इंच छोड़ते हुए हमें इसमें चुन्नटें डालनी थी अपने कपड़े में, उसको इस तरह से टॉप पार्ट में स्टिच कर लेना है। तो हमने इस पर डबल सिलाई लगा दी है इस तरह से। तो ये देखिए हमारा रेडी हो गया है टॉप पार्ट इस तरह से। और अब हम इसमें लेस अटैच करेंगे। तो आप अपनी पसंद की कोई भी लेस ले सकते हैं और इस तरह से रखते हुए उसे यहाँ से ऐसे फोल्ड करते हुए इस तरह से हम स्टिच कर लेंगे दोनों साइड से। तो हमें पहले से नेक से लगाना शुरू करना है और यहाँ से घुमाते हुए इस तरह से और फिर हम इसे साइड की तरफ घुमा लेंगे इस तरह से और इस तरह से हम इसे स्टिच कर लेंगे। दूसरी साइड से भी हमें इसे सेम तरह से स्टिच कर लेना है लैस को। तो ये देखिए हमने लैस को अटैच कर दिया है। आप चाहे तो इसमें बीच में बटन भी लगा सकते हैं। और अब हम अपनी स्लीव्स डिज़ाइन बनाएंगे। तो हमने अपनी स्लीव्स को सेंटर से फोल्ड कर लिया है, चौड़ाई में हमने 1.5 इंच और लंबाई में हमने 2 इंच पे इस तरह से वी शेप में निशान लगा लेंगे और उसकी कटिंग कर देंगे। और सेम लंबाई का हम ये कपड़ा लेंगे, इसकी चौड़ाई हमने 3 इंच रखी है और इसे इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे, जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा साइड से, और इसके किनारे किनारे पूरे को हम स्टिच कर लेंगे। तो हमने इसे स्टिच कर लिया है और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे इस तरह से। और यहाँ पर हम बीच बीच में कट के निशान लगा लेंगे और इसे पलट के सीधा कर लेंगे और उस पर प्रेस कर लेंगे। और फिर हम इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर हम लैस लगाएंगे। लैस को हमें नीचे की तरफ दबाते हुए स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए हमारा स्लीव डिज़ाइन बन के रेडी हो चुका है। और ये देखिए हमने बैक पार्ट भी अपना तैयार कर दिया है और अब हम इसके ऊपर अपना फ्रंट पार्ट रखेंगे इस तरह से। सीधी साइड हमें अंदर की तरफ रखनी है दोनों की और यहाँ से मिलाते हुए हम शोल्डर को स्टिच कर लेंगे दोनों साइड से डबल सिलाई लगाते हुए। तो शोल्डर हमने स्टिच कर दिए हैं और अब हम अपनी स्लीव्स की गहरी वाली साइड फ्रंट की तरफ रखेंगे और इस तरह से अपनी स्लीव्स को स्टिच कर लेंगे। सेम तरीके से हम इस साइड की स्लीव्स को भी सेंटर से मिलाते हुए स्टिच कर लेंगे। तो हमने अपनी दोनों स्लीव्स को स्टिच कर लिया है और अब हम अपनी फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो इस तरह से हम अपनी फिटिंग का निशान लगाते हुए इसे नीचे तक स्टिच कर लेंगे। सेम तरीके से यहाँ से भी हम निशान लगाएंगे अपनी फिटिंग का और इस तरह से इसे नीचे तक स्टिच कर लेंगे। और नीचे से हम जितना भी हमने मार्जिन लिया है उतना हम इसे फोल्ड कर लेंगे पूरे को। तो ये देखिए हमारी कुर्ती बनके रेडी हो गई है और अब हम इसमें बटन लगा लेंगे इस तरह से। यहाँ पर हम 3 बटन लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी कुर्ती बनके कितनी प्यारी लग रही है। आपको ये कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।